हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है शेपर के ऊपर, है ना। और शेपर कैसे काम करता है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। और पार्ट मेजरिंग 300 mm बाई 100 mm बाई 40 mm, मतलब इसकी जो लेंथ है इस पार्ट की, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है 300 mm है। इसकी जो विथ है ये 100 mm है और इसकी जो थिकनेस है वो 40 mm है, ठीक है। ये पी एन राव बुक है, उसका क्वेश्चन है अनसॉल्व। इज़ टू बी मशीन्ड यूजिंग अ हाइड्रोलिक शेपर अलॉन्ग इट्स फेस 300 mm बाई 100 mm, मतलब आपको ये वाला जो फेस है इसकी मशीनिंग परफॉर्म करना है। कैलकुलेट मशीनिंग टाइम टेकिंग द अप्रोच एज वेल एज द ट्रेवल एज 25 mm ईच, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ट्रेवल का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्क पीस है यहाँ पे, ठीक है, और इधर आपका मशीन है, ठीक है। तो मशीन इधर है तो ये टूल होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रैवल करना, है ना, यहाँ से ट्रैवल करेगा, मतलब ये जो वर्क पीस है उससे थोड़ा पहले। और ये चूँकि शेपर में है तो ये टूल इस तरह से आएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा इधर फिर वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, ये जो वर्क पीस का एज है, इससे टूल की जो डिस्टेंस होती है इनिशियली, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच, ये सिंपल अप्रोच। और जैसे ये टूल इधर आएगा तो ये इसकी जो लास्ट एज है इसके बाद भी थोड़ा आगे तक ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेवल या सिंपल ट्रेवल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो टोटल लेंथ टूल को ट्रेवल करना होता है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल, ठीक है। इसमें जो दिए हैं पैरामीटर वो लेके लेते हैं, तो बेसिकली इसमें फिर आपको दिया है कटिंग स्पीड, ठीक है। कटिंग स्पीड कितना दिया है, कटिंग स्पीड दिया है 15 मीटर पर मिनट, ठीक है। और इसमें दिया है अलाउंस, ठीक है। अलाउंस का मतलब है जैसे ये इसकी विथ है इसके प्लस माइनस, ठीक है, तो 5 mm इधर अलाउंस दिया है और 5 mm इधर अलाउंस दिया है। तो जिसकी विथ होगी, जो जिसकी मशीनिंग आपको करनी पड़ेगी, वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 mm प्लस 5 mm, मतलब 100 फीट 0.4 mm पर स्टॉक दिया है। ये सारी चीज़ हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वर्क पीस ऑफ वर्क पीस प्लस अप्रोच प्लस ट्रेवल, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है आपका, लेंथ दिया है इसमें 300 mm 300, प्लस अप्रोच कितना है 25 है और ट्रेवल भी 25 दिया है, तो कितना हो गया 350 mm हो गया टोटल लेंथ जो कि आपके टूल को ट्रेवल करना है। उसके बाद इसमें कटिंग स्पीड दी है, कटिंग स्पीड जैसे दिया है किसके टर्म्स में, मीटर पर मिनट। मैं फीट भी लिख लेता हूँ, फीट कितना दिया है 0.4 mm पर स्ट्रोक, ये फीट दिया है, ठीक है। कटिंग स्पीड फीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मशीनिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक कैसे निकालेंगे, बेसिकली एक स्ट्रोक में ये कितना कट कर रहा है, एक स्ट्रोक में कट कर रहा है 0.4 mm, ठीक है। ये एक बार में 0.4 mm कट कर रहा है, तो टोटल कितने स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जो वेथ है डिवाइडेड बाई 0.4। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रोक इक्वल्स टोटल विथ, विथ कितना हो जाएगा, विथ ऑफ वर्क पीस प्लस मशीनिंग अलाउंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो विथ वर्क पीस की कितनी है 100 और अलाउंस कितना है 500 इधर, सॉरी 5 mm इधर और 5 mm इधर, तो 5 प्लस 5 मतलब कितना हो गया 110 mm। और नंबर ऑफ स्ट्रोक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विथ डिवाइडेड बाई फीट, ठीक है। फीट कितना है 0.4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 0.4
275, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ स्टॉक की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट मशीनिंग, ठीक है। तो टाइम पीरियड फॉर वन स्ट्रोक ये कितना होगा, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय इस वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब देखिए आप यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है वो किसमें दिए, एम मीटर पर मिनट के टर्म्स में। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एमएम पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो डायमेंशंस हैं वो एमएम के टर्म्स में। तो कटिंग स्पीड इक्वल्स कितना हो जाएगा, 50 मीटर को एमएम चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई एमएम पर मिनट। अब पर मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूँ तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 15000 डिवाइडेड बाई 60 तो ये आ गया 250, तो ये आ जाएगा 250 एमएम पर सेकंड, एमएम पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब ये स्पीड आ गई। अब टाइम पीरियड फॉर वन स्ट्रोक, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टूल कितना ट्रेवल करेगा एक स्ट्रोक के लिए। तो एक इसमें क्या होगा, कटिंग स्ट्रोक होगा, एक आइडल स्ट्रोक होगा। तो टूल यदि यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, तब आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 350, ठीक है, 350 यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कवर करके प्लस 350 वापस आने के लिए कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 350 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो टाइम फॉर वन स्ट्रोक ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 अपॉन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या है, कटिंग स्पीड क्या है, 250। तो ये आ जाएगा आपका टाइम फॉर वन स्ट्रोक। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 700 होगा, डिवाइड कर दिया 250 से, तो ये वैल्यू आ गया आपके 2.8, ठीक है। तो 2.8 सेकंड, ये टाइम कब लग रहा है, एक स्ट्रोक में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जितने स्ट्रोक उनसे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल टाइम इक्वल्स क्या होगा, 2.8, और नंबर ऑफ स्टॉक अभी हमने निकाले थे, नंबर ऑफ स्टॉक कितना है, 275। तो इसमें 275 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 275 या गया 770। तो 770 सेकंड आ गया आंसर, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देते, तो आएगा 12.83 मिनट्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इतना मशीनिंग टाइम आपका उसमें लगेगा। सो थैंक यू।